गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स, एक वक्र और उसके अनंत स्पर्शों के प्रतिच्छेदन की। एक प्रॉब्लम भी हमने देखी थी जिसमें एक कर्व हमें दे रखा था और उसके एसिम्प्टोट्स के इंटरसेक्शन किस कर्व पे लाई करेंगे, वो हमने निकाला था। आज इससे रिवर्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। अपने को एसिम्प्टोट्स दे रखे हैं और अपने को कर्व निकालना होगा। देखिए, एक प्रॉब्लम लेकर बताता हूँ मैं किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस तरह की देखिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक which has the same asymptotes as the curve x cube minus 6x squared y plus 11 xy square minus 6y cube plus x plus y plus 1 equal to 0 and which touches the y axis at origin and passes through the point ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है अपने पास। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक व्हिच हैज द एसिम्प्टोट्स सेम एज द कर्व दिस वन। ये कह रहा है कि आपको एक क्यूबिक कर्व की तीन घातीय वक्र की समीकरण ज्ञात करनी है जिसकी अनंत स्पर्शा वही है जो ये जो वक्र दे रखा है हमें, इस वक्र की जो अनंत स्पर्शा है वही अनंत स्पर्शा उस वक्र की होगी जो हमें याद करनी है। एंड विच टचेस द एक्सिस ऑफ एक्स एट ओरिजिन, और जो कि अपने वाई एक्सिस को, जो अपने वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है और 3.2 इस पॉइंट से पास होता है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहा है? ये कर्व दे रखा है और आपको एक दूसरा कर्व निकालना है। वो कह रहा है कि इस कर्व की जो एसिम्प्टोट्स हैं वही आपके जो एसिम्प्टोट्स आपको फाइंड, जो कर्व आपको निकालना है उसकी एसिम्प्टोट्स भी वही है जो इस कर्व की है। और जो कर्व आपको निकालना है वो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है और 3.2 इस पॉइंट से पास होता है, इस बिंदु से गुजरता है। क्लियर? अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अपन देखें कि ये जो कर्व इन्होंने दे रखा है अपने को, इस कर्व की एसिम्प्टोट्स निकाले। गिवन कर्व जो है अपना वो ये है, एक्स क्यूब माइनस 6xy प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो कर्व है देखिए, ये सारी 3 डिग्री की टर्म्स है। ये एक्स क्यूब ये 3 डिग्री की टर्म, ये xy 3 डिग्री का, xy स्क्वायर 3 डिग्री का, ये y क्यूब 3 डिग्री का और उसके बाद में ये 1 डिग्री का पॉलीनोमियल आ गया। तो सेकेंड डिग्री की कोई भी टर्म इसमें नहीं है, यानी कि इक्वेशन जो है गिवन कर्व इज ऑफ द फॉर्म एफ थ्री प्लस पी वन इक्वल टू 0। पहले 3 डिग्री का फंक्शन है और फिर 1 डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो कर्व की इक्वेशन जो है वो इस तरह की है। सो इट्स
asymptotes are given by f3 equal to 0, that is x, f3 अपना जो है वो देखिए क्या है, x cube minus 6 x square y plus 11 x y square minus 6 y cube equal to 0. तो जो कर्म हमें निकालना है उसकी asymptotes तो यही है, अपने को पता चल गई. तो अब अपने को तीन चीजें पता है, तीन के एक तरह से चार चीजें अपने को पता है कि हमें जो कर्व निकालना है उसकी एसिम्प्टोट्स ये है. वो कर्व मूल बिंदु पर वाई अक्ष को स्पर्श करता है, यानी कि मूल बिंदु से गुजरता है एक चीज, दूसरी चीज मूल बिंदु पर वाई अक्ष उसकी स्पर्श रेखा है, तीसरी चीज वो कर्व अपना 3.2 पॉइंट से पास होता है. क्लियर? अब देखिए, अब जब ये पता है कि कर्व के एसिम्प्टोट्स ये है तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए. लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, अब जो कर्व हमें निकालना है उसकी इक्वेशन जो होगी वो भी f3 plus p1 equal to 0 टाइप की होगी, जिसमें f3 तो ये हो गया अपना एसिम्प्टोट्स की है x cube minus 6 x square y plus 11 x y square minus 6 y cube plus अब p1 होगा कुछ, वो क्या है वो अपने को नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि p1 है ना, तो मीन्स 1 डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो वो कुछ ax plus by plus c equal to 0 इस तरह का कुछ होगा. अब यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है, ये अभी अपने को नहीं पता. इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड. ये अपने थर्ड डिग्री की टर्म्स f3, f3 तो वही है जो इसकी एसिम्प्टोट्स है, यानी कि ये वाली टर्म प्लस p1 होना चाहिए. p1 मींस 1 डिग्री का कोई पॉलीनोमियल, तो इन जनरल 1 डिग्री का पॉलीनोमियल कुछ इस तरह का होगा ax plus by plus c equal to 0 टाइप का. अब यहाँ पे अपने को ये a b c की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए देखिए अपने को तीन चीजें पता है. नंबर वन कि हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होता है, ये देखा था अपने को, विच टचेस द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्स को मूल बिंदु पे स्पर्श करता है, मूल बिंदु से गुजरता है. तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सेंस गिवन कर्व पासेस थ्रू तो ये ओरिजन को यानी कि 0.0 को संतुष्ट करेगा. ये हमारा कर्व, सॉरी गिवन कर्व ने रिक्वायर्ड कर्व जो कर्व हमें निकालना है वो अपना मूल बिंदु से गुजरता है, तो हम इसको मूल बिंदु से गुजार दें यानी 0.0 को ही संतुष्ट करेगा. तो यहाँ पे अपन x की जगह 0, y की जगह 0 लें, तो ये टर्म 0, ये 0, 0, 0, x भी 0 है, y भी 0 है, ये सारे टर्म 0, so that means c equal to 0. Clear? Second चीज देखिए, ये कर्व अपना 3.2 से पास होता है. Again, required curve. अब देखिए इसको 3.2 से पास कर लेते हैं, तो x की जगह 3 आएगा, ये 3 का क्यूब 47 माइनस 6 x स्क्वायर y, x की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और y अपना है 2, 9 into 2, 18 into 6, 108 plus 11 xy square, x अपना 3, y अपना 2, 4 into 3, 12 into 11, 12 into 11 is 132.
माइनस सिक्स वाई क्यूब, वाई क्यूब मीन्स टू क्यूब एट, एट इंटू सिक्स 48, प्लस ए एक्स 3a, प्लस बी वाई 2b, प्लस सी, सी इज जीरो, सी तो हमारा जीरो ही है, हो गया अपने पास 3a प्लस 2b। और ये देख लीजिए अब माइनस की तो ये टर्म हो गई अपनी 156, ये अपने पास है माइनस का 156 और प्लस का अपने पास है 159, तो ये रह गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 4। और अब इसके अलावा एक चीज और ये पता है कि ओरिजिन पे मूल बिंदु पर वाई अक्ष जो है वो हमारी स्पर्श रेखा है, वाई एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। अब ये कर्व हमें दे रखा है, एक चीज अब मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर हमें एक कोई कर्व दे रखा है जो ओरिजिन से पास होता है, सी यहाँ पे जीरो, ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन पर अगर हमें टेंजेंट निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन है उसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट टू जीरो कर देंगे। अब अपन देखते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन इज रीमन वाई इक्वेटिंग वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखने पर हमें मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण प्राप्त होगी। तो अब इसमें देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी है, ये सारी थर्ड डिग्री की टर्म्स, सी तो जीरो ही है, सी नहीं है, सी की वैल्यू पे पता है ऑलरेडी जीरो है, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स ये हुई ए एक्स प्लस बी वाई 1 डिग्री की, सो ये हो गया अपना ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर अपन बात करें तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, लेकिन हमें जो दे रखा है बट गिवन इट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, अपने को ये दे रखा है कि जो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है वो है एक्स बराबर जीरो, और हम कह रहे हैं कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि b जो है वो जीरो है, so this implies b equal to zero, b जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन क्या रहेगी ए एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू जीरो, तो ये मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा अपनी आ जाएगी x इक्वल टू जीरो का जब b जीरो, तो ये b की वैल्यू आ गई जीरो, सी अपन ऑलरेडी बता चुके हैं सी भी जीरो है। अब ये बी इक्वल टू जीरो इक्वेशन फोर्थ में पुट कर लें, यूजिंग इट इन इक्वेशन फोर वी गेट 3a प्लस 3a इक्वल टू जीरो, ये बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख लें, ये हो गया 3a प्लस 3 इक्वल टू जीरो मीन्स a इक्वल टू माइनस 1, तो ये की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन सेकेंड, we get the required curve as x cubed minus 6 x square y plus 11 x y square minus 6 y cubed plus ax, a अपना आया था minus 1, a की वैल्यू रख ले minus 1, तो ये हो गया minus x plus by, b अपना 0 plus c अपना 0 equal to जी, ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा
एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस इलेवन एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमने देखा कि एक कर्व जिसके हमें एसिम्प्टोट्स पता थे उससे हमने कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट की। ये एसिम्प्टोट्स में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स अपने पास होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।